हेलो फैम्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर गर्ल द रिच लास्ट। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज का हमारे ये ब्लॉग है खंडवा ब्लॉग। सो फाइनली पूरे एक साल बाद आज हम खंडवा जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि लाइक बूजी थी यहीं पे अभी भोपाल में, तो उन्होंने बोला कि चलो बेटा चल दो हमारे साथ ही, तुमको जो काम है निपटा लेना अभी, नहीं तो अलग से तुमको फिर आना पड़ेगा। तो बाय कार हम ट्रैवल कर रहे थे और बीच में इतने प्यारे प्यारे घाट पड़ते हैं और ये घाट पे ना वापस बहुत सारे हमें बंदर मिलते हैं। तो हम लोग ना अलग से उनके लिए ना सामान रख लेते हैं कि भाई वो मिलेंगे तो हम ना उनके लिए कुछ रख लो, तो वो उनको दे देंगे रास्ते में, क्योंकि पहाड़ पे यार पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता है। थोड़े और बंदर मिले और एक ये शैतान तो बिल्कुल कार के ग्लास पे ही चढ़ गया था। उसको इतना हरी हो रहा था कि भाई मुझे दे नहीं रहे हैं और वो सब बस बिल्कुल सामने चढ़ के आ गया। द फर्स्ट टाइम था कि हम लोग खंडवा आ रहे हैं बाय कार और पूरा जो रूट था वो मैंने ही ड्राइव किया, क्योंकि मैं जैसे भोपाल शिफ्ट हो चुकी हूँ तो मुझे देखना था कि मैं पूरा ड्राइव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी सिंगल हैंड। जैसे बाय चांस अगर हमारा कार से आने का होता है पलक हनी और मेरा, तो हम लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो सक्सेसफुली मैंने पूरी कार ड्राइव करके ले गई थी खंडवा तक एंड इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि मुझे ना ड्राइविंग लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कितने भी गाड़ी चलवा लो मैं कभी नहीं थकूँगी। अभी हम पहुंच चुके हैं पुनासा और पुनासा में है इंदिरा सागर डैम, जो कि है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम। डैम को क्रॉस करके एक बहुत ही प्यारा सा जंगल रोड आता है, जो कि उस पर जब आप रहते हो तो ऐसा लगता है कि कोई सफारी में आप घूम रहे हो, कहीं बहुत ऐसे सफारी वाली जगह आए हो। और अब हम पहुंच चुके हैं खंडवा और ये है मेरा स्कूल गाइस। इतने सालों बाद मैं अपना स्कूल देख रही हूँ और इतना अच्छा लगा मुझे वो देख के यार कि बस क्या बताऊँ। फिर हम लोग खंडवा पहुंच के फूफा जी ने हमारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट लिया, जो कि है एक बहुत फेमस है इंदौरी पेटिस करके, वहाँ से फूफा जी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट लिया क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, फूफा जी का ऑफिस जाना था और हम लोग थोड़ा थक भी गए थे कि इतना ट्रैवल करके आए हैं और फिर कुछ नाश्ता बनाएं तो इतनी हिम्मत नहीं थी हम लोगों में। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम एंटर कर रहे हैं। ये है मेरा रूम गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट जो कि हमने लिया था।
हेलो बोलो कुछ। हाय फिर आखिरकार आ ही गई खंडवा। हम छत पे गए, सीताफल हमने तोड़ा क्योंकि ये पक चुका था। फिर बुच्ची ने बहुत टेस्टी सा खाना बनाया, काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना टेस्टी खाना खाया है बुच्ची के हाथ का। फिर ये गग्गा मनी हमसे मिलने आई और आज का ये व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, लव लव।